नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। 29 फरवरी से बैतालपुर की खीड़हा में शुरू होने वाला भव्य राम कथा की शुरुआत हो गई है। इससे पहले आज हजारों की संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने कलश यात्रा में भाग लिया। दरअसल यह भव्य कलश यात्रा खिरोहा से निकालकर बैतालपुर होते हुए बलुआ गांव पहुंची, जहां स्थित घाट से जल भरकर सभी श्रद्धालु फिर आयोजित रामकथा स्थल खिरोहा पहुंचे। इस मौके पर दूर दराज से आए लोगों ने कलश यात्रा में अपनी हाजिरी लगाई और चारों तरफ इस यात्रा से श्री राम नारे की गूंज सुनाई देती रही। आपको बता दें कि इस भव्य रामकथा का आयोजन श्री राधे श्याम सेवा समिति की तरफ से किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष राहुल मणि और उपाध्यक्ष चंद्रमणि हैं। आज से शुरू भव्य रामकथा 6 मार्च तक चलेगा और रामकथा का रसपान पूज्यनीय प्रभुसर जी महाराज के मुख बिंदु से होगा। वहीं भव्य कलश यात्रा के मौके पर समिति के अध्यक्ष राहुल मणि ने कहा कि भव्य कलश यात्रा में 10,000 श्रद्धालु उपस्थित थे और कार्यक्रम काफी सफल रहा। राहुल मणि ने मीडिया के माध्यम से देवरिया के जनमानस को सूचित किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर राम कथा का आनंद उठाएं और इस मौके पर बैतालपुर के किन यूनियन के अध्यक्ष अनिल मणि त्रिपाठी ने कहा कि श्री राम कथा का जीवन को सुनकर जनपदवासी गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? यह यज्ञ पूरे क्षेत्रवासियों और जनपद वासियों के लिए एक मिसाल कायम करेगी और जो भगवान राम ने अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका निभाते हुए मानव चरित्र का चित्रण किया है, उस चित्रण को सुन के, उस महाराज जी के प्रवचन को सुन के, जो राम ने अपने जीवन में जो संयम, जो नियम, जो परिवार बड़े लोगों का सम्मान और आदर करना सीखा, रघुनाथ माता, तो उन सारी चीज़ों को क्षेत्र के वासी नौजवान बड़े बुजुर्ग आप क्या कहेंगे इस यज्ञ के बारे में? हम मुख्यमंत्री त्रिपाठी जी जिला अध्यक्ष हैं, हम सब जिले का, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर का निर्माण के लिए आश्वासन किया, उसी दिन हमें उनके लिए अंदर एक जिज्ञासा हुई कि एक यज्ञ का आयोजन किया जाए। और मैं जनमानस से अपील करता हूँ कि यह जो भगवान जी महाराज का कथा होने वाला है श्री धाम में, मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील करता हूँ कि वो आकर के सुने और इसका लाभ उठावें और क्षेत्र की जितनी भी जनता है वो, अगर हम वो धार्मिक प्रवृत्ति के अगर हो जाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिन में हमारा पूरा भारतवर्ष जो है राम राज्य में तब्दील हो जाएगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को सभी के उनके अनुसार सभी लोगों को अपने अपने स्थान के अनुसार सभी लोगों को मानवता के अनुसार सभी के कर्मों के अनुसार जो स्थापना हुई थी, जो सत्य की स्थापना हुई थी, वो आने वाले भविष्य में हम लोग अगर विचारों को सुनते रहेंगे और उसको लागू करेंगे तो आने वाले दिनों में ये राम राज्य निश्चित आएगा। मैं विपिन कुमार त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष देवरिया। यहाँ पे आज भव्य शोभा यात्रा निकली है, 10,000 से ऊपर लोगों की भीड़ थी और महिलाएं बच्चे सभी श्रद्धालु जो है हाथी घोड़ा बाजे के साथ यहाँ से बैतापुर होते हुए बलुआ एक पोखरा है वहाँ जल भरा गया है, फिर आया गया है। यहाँ पे इसके अलावा अन्य कार्यक्रम है, एक राम कथा है श्री राम महाराज जी का, जो 29 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ऊपर दिन चलेगा, शाम 4 से 7 बजे तक। और आप लोगों के माध्यम से मुझे निवेदन भी करना है, लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के राम कथा का पाठ करें और इस महायज्ञ से लोगों के प्रति क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हमारा संदेश ये है, लोग सब धर्म से जुड़े और आस्थावान हो, श्रद्धावान हो और सभी की सेवा करें। क्या ये जो राम कथा सुनाई देगी इसके क्या आम जन पे क्या प्रभाव पड़ेगा राम कथा से? निश्चित तौर पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सभी लोग जो है धार्मिक कार्य में रुचि लेंगे। क्या नाम है? राहुल मणि जी। असली नाम सर मीटिंग में अध्यक्ष हूँ। असली नाम ब्रजेंद्र त्रिपाठी का है, किसी का यही लोग जानते हैं। और हाँ, यह था देवरिया से संदीप मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इसी तरह की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।